हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, विजन टेस्ट 7 का। उससे आगे आज मैं डिस्कस करूँगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 हुआ आपका कि कौन कौन से हमारे मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बताना है कि क्या होता है, पहली बात। दूसरी कि क्या क्या उनकी पोटेंशियल है, किस तरह से वो हेल्प कर रही हैं जो रूरल पुअर है उसको, उसके जो चैलेंजेस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में। आपको इसमें अच्छे से एग्जांपल्स देने पड़ेंगे और बताना पड़ेगा। तो पहला जो है, समझते हैं इसका अप्रोच। डिफाइन करना होगा आपको SHG, मतलब कि क्या होते हैं SHGs। उसके बाद पोटेंशियल क्या होते हैं SHGs का, किस तरह से वो चैलेंजेस टैकल करने में हेल्प करते हैं रूरल पुअर के। उसके बाद आपको एग्जांपल देना पड़ेगा और फिर आप कंक्लूड करोगे। तो SHGs होते क्या हैं। SHGs एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल जिसमें 10 से लेके 20 मेंबर तक हो सकते हैं, जिनका एक समान सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड होता है और ये एक ही एरिया में रहता है और ये लोग एक साथ एक साथ आते हैं ताकि वो जो अपना सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको इम्प्रूव कर सके। वो वॉलेंट्रली SHG बनाते हैं और म्यूचुअली कंट्रीब्यूट करते हैं फंड। जो SHGs हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक होता है, जो प्रिंसिपल वो फॉलो करते हैं वो है, पहला सेल्फ हेल्प, दूसरा सॉलिडरिटी और तीसरा म्यूचुअल इंटरेस्ट्स। अब देखा गया है कि SHGs जो हैं वो बहुत हद तक जो रूरल पुअर मतलब रूरल एरिया में रहने वाले पुअर के जो चैलेंजेस हैं वो सॉल्व करने में सक्सेसफुल हुई हैं। तो देखते हैं कैसे। तो जो जो पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स जो होंगे, पहला एक्सेस टू क्रेडिट, दूसरा रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, तीसरा पॉवर्टी एलिविएशन, चौथा एम्पावरमेंट ऑफ रूरल वुमेन, पांचवा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आपको इसमें दिखाना होगा कि कैसे वो ये सब में हेल्प करती हैं। तो पहला डिस्कस करते हैं एक्सेस टू क्रेडिट में क्या होता है कि SHGs को टाइमली लोन लेने और उसका जो भी किस्त है उसको जमा करने में SHGs बहुत हद तक सक्सेसफुल रही हैं। तो पहला तो ये, दूसरा कि SHGs अपने मेंबर्स को नॉन फार्म सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट और देने में हेल्प हुई है, जैसे कि क्लोथ हो गया, लेदर प्रोडक्ट्स, पॉटरी, टॉयज, हाउसहोल्ड। तो देखा गया है कि हनी, बैम्बू प्रोडक्ट्स, ब्रूम स्टिक्स, लीफ पाम, ये सब में जो SHGs हैं वो अपने मेंबर्स को हेल्प की है इन्वॉल्व होने में, मतलब नॉन फार्म सेक्टर का जॉब क्रिएट करने में भी ये सेक्टर SHGs सक्सेसफुल हुई हैं। तीसरा है पॉवर्टी एलिवेशन। पॉवर्टी एलिवेशन मतलब कि जिस तरह से वुमेन के लिए या बाकी जो मेंबर्स हैं उनके लिए वो जिस तरह से इनकम जनरेट करती हैं, रिसोर्स मोबिलाइज करती हैं, उससे क्या हुआ कि पॉवर्टी एलिवेशन भी हुआ है। जैसे कि जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है वो इम्प्लीमेंट की जा रही है बाय ऑर्गेनाइजिंग रूरल पुअर इनटू SHGs। तो इस स्कीम का पार्ट है जिसमें रूरल पुअर को SHGs में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और इसमें क्या है कि जो जो भी मेंबर्स हैं उनको स्किल भी दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है और जो फिनांशियल क्रेडिट जो है उस फिनांशियल इंस्टीट्यूशन जो क्रेडिट देती हैं उनसे लिंक भी किया जाता है। और इसके अलावा जो ये स्कीम है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये हेल्प करती है इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केटिंग में भी, ठीक है। तो इस कारण से वो पॉवर्टी एलिवेशन में हेल्प करती है। नेक्स्ट है एम्पावरमेंट ऑफ रूरल वुमेन। रूरल वुमेन के एम्पावरमेंट में भी ये बहुत हद तक सक्सेसफुल हुई है। इसका एग्जाम्पल होगा कुटुंबश्री जो कि केरला में है, चेतना रानी महिला SHG राजस्थान और सेवा। तो देखा गया है कि जो रूरल वुमेन ऐसे SHG से कनेक्ट करके उनका एक तो रिस्क कम हुआ है, फिनेंशियल इंडिपेंडेंस आया है उनके पास और पार्टिसिपेशन बढ़ा है डिसीजन मेकिंग में, चाहे वो होम घर के लेवल पे हो या विलेज के लेवल पे हो। उसी तरह लास्ट पॉइंट आपका है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। SHGs ने इन सब के अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज़ में भी हेल्प किया है। जैसे कि एग्जांपल आप लिख सकते हो कि माइक्रोनॉट SHG जो है 2016 में इसे इंडियन बायोडाइवर्सिटी अवार्ड मिला
किस लिए? तो मेघालय में 52 फिट लॉन्ग लिविंग रूट ब्रिज के लिए, मतलब मेघालय में देखा गया है कि ऐसे ब्रिजेस, मतलब कि जो ट्रीज होते हैं उनके रूट्स के थ्रू ब्रिज बनाया जाता है। तो ये जो SHG है इसको उसके लिए अवार्ड मिला। तो इस तरह से देखा गया कि SHG हेल्प करती हैं कंजर्व करने में ट्रेडिशनल रिसोर्सेस और सिस्टम, ठीक है। इस तरह से हमने समझा SHG का रोल रूरल इकोनॉमी में। आप कंक्लूजन में लिखोगे कि लेकिन ये तो सही है कि वो हेल्प कर रही है, लेकिन कुछ और स्टेप्स भी चाहिए। क्या क्या स्टेप्स आप ले सकते हैं? तो डिजिटाइजेशन हो गया, मार्केटिंग लिंकेज हुआ, दूसरा तीसरा कि जो भी उनकी स्किल डेवलपमेंट, ये सब में गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना चाहिए। तो इस तरह से आपका SHG रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या क्या पोटेंशियल है और चैलेंजेस हैं जो कि डिजिटल हेल्थ केयर से एसोसिएटेड है, इस पे बेस करके ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। तो अप्रोच क्या होगा? अप्रोच होगा कि पहले तो आपको डिस्कस करना होगा कि क्या होता है डिजिटल हेल्थ केयर। उसके बाद आप लिखोगे कि क्या क्या चैलेंजेस हैं एंड फाइनली कंक्लूड करो, ठीक है। तो देखते हैं आंसर। आंसर जो है आपको पहले उसमें डिफाइन करना होगा डिजिटल हेल्थ केयर। तो डिजिटल हेल्थ केयर होता क्या है? ये बेसिकली ICT मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ है, चाहे वो मेडिसिन में हो या हेल्थ प्रोफेशन में हो, जिससे कि इलनेस और हेल्थ रिस्क को मैनेज किया जा सके और वेलनेस प्रमोट किया जा सके। डिजिटल हेल्थ जो है उसका बहुत स्कोप है। और इसमें इंक्लूड क्या क्या होता है? तो आपको इसमें इंक्लूड होगा वियरेबल डिवाइस, दूसरा मोबाइल हेल्थ, तीसरा हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और चौथा टेलीमेडिसिन। ऐसे जो जो टेक्नोलॉजी है वो इंक्लूडेड है डिजिटल हेल्थ केयर में। फिर आप बताओगे कि हेल्थ केयर, बताओगे कि कैसे डिजिटल हेल्थ केयर जो है हमारे हेल्थ आउटकम को बेटर कर सकता है, इंडिया के हेल्थ आउटकम को कैसे बेटर कर सकता है। तो इसमें जो मेन पॉइंट्स पहले हैं उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला है कि हेल्थ फॉर ऑल, दूसरा है इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम एंड पॉलिसीज, तीसरा इनेबल डिसीजन टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन, चौथा इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ केयर, पाँचवा डिजिटल इनोवेशन, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है वो इम्प्रूव करेगा हेल्थ। पहला पॉइंट था हेल्थ फॉर ऑल। अब देखिए जो भी ये टेक्नोलॉजी है उससे क्या होगा कि अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी, ये तीनों बढ़ जाएगी। जो ये नेटवर्क है पब्लिक, जो आशा, SHGs, ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का, वो इससे बढ़ जाएगा। वो जो एक जो लिंकेज, एक नेटवर्क है वो स्ट्रेंथन होगा। तो इससे अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ेगी, ताकि जैसे कैशलेस ट्रीटमेंट जो है पुअर तक पहुंच पाएगा। जो ये PM जन आरोग्य योजना है इसके थ्रू कैशलेस ट्रीटमेंट हो सकेगा जो गरीब लोग हैं उनका। दूसरा पॉइंट है कि जो भी स्कीम या पॉलिसीज़ हैं जो हेल्थ सेक्टर रिलेटेड है उनको ज़्यादा अच्छे से हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, चाहे वो मॉनिटर करना हो, डिसीजन मेकिंग हो, हर तरह से। तीसरा है कि इनेबल करेगा डिसीजन को, सिटीजन्स को इन्फॉर्म डिसीजन का, मतलब कि उनको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, सोर्सेज दिए जाएंगे कि डॉक्टर कौन कौन से अवेलेबल हैं, क्या अपॉइंटमेंट है, उनकी फ़ीस क्या क्या है। तो इस तरह से एक सिटीजन एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएगा। चौथा है कि जो क्वालिटी ऑफ केयर भी है वो भी बेटर होगी। एक आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड के बारे में, ये है बेसिकली कि जो भी पेशेंट का जो भी इन्फॉर्मेशन है, रिकॉर्ड है, वो इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर किया जाएगा, ताकि वो जब डॉक्टर टू डॉक्टर मूव करे तो हर एक डॉक्टर इजीली उसके डाटा को स्टडी कर पाए, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से वो इम्प्रूव करता है आपका क्वालिटी ऑफ केयर। नेक्स्ट है डिजिटल इनोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऐसे जो नए नए टेक्नोलॉजी है, चाहे वो ऑटोमेशन हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इससे क्या होता है कि जो भी डिजीजेज हैं उनका एक तो एक्यूरेट डायग्नोसिस हो सकता है और इजीली उनको सॉल्व किया जा सकता है। तो बेटर मेडिकल फैसिलिटी मिलती है पब्लिक को। तो इस तरह से आपने समझा डिजिटल हेल्थ में कैसे हेल्प करेगा। लेकिन अब बात है कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है डिजिटल हेल्थ केयर के रियलाइजेशन में, उसको समझना होगा। तो इसका जो मेन पॉइंट होगा वो होगा पहला स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चैलेंजेस, दूसरा डाटा प्राइवेसी,
तीसरा एडॉप्शन एंड रेजिस्टेंस, और चौथा ह्यूमन रिसोर्सेस। तो इसी के अंदर आपको इसके चैलेंजेस डिस्कस करने होंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चैलेंजेस जो पहला था उसको देखते हैं। एक तो ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम, जो एक ट्रेडिशनल हम लोग का हॉस्पिटल या गवर्नेंस या डॉक्टर पेशेंट का जो एक रिलेशन था उसको डिजिटाइजेशन के साथ लिंक करना पड़ेगा। एक प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा जिससे कि पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सके, और इसमें हमारा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन बहुत अच्छे से यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा है कि डिजिटल डिवाइड, इसी में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चैलेंजेस में दूसरा है कि डिजिटल डिवाइड। देखा गया कि जो रूरल हो या ट्राइबल हो या जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं वहाँ पर एक डिजिटल कनेक्शन नहीं है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो डिजिटल डिवाइड है, तो उसकी बात हो गई। और साथ में आपको ऐसे आशा वर्कर्स चाहिए, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ चाहिए जो कि टेक्नोलॉजी के साथ इतनी फ्लुएंट हो कि उसको यूज़ कर सके, तो उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, कैपेसिटी बिल्डिंग करना पड़ेगा। नेक्स्ट है गवर्नमेंट हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको अपग्रेड करना पड़ेगा और लिंक करना पड़ेगा ताकि स्मूथली हम ICT इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ कर सकें। उसके बाद जो नेक्स्ट मेन पॉइंट है, सेकेंड मेन पॉइंट, वो है डाटा प्राइवेसी। तो डाटा प्राइवेसी मतलब कि जो भी हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं, जो भी डाटा है पेशेंट के बारे में, तो वो उसको उसकी प्राइवेसी मेंटेन करना जरूरी है, ताकि मान लो कोई एड्स पेशेंट है या उस तरह से कोई स्टिग्मेटाइजिंग डिजीज़ का कोई अगर पेशेंट हो गया, तो उसके डाटा को, उसके प्राइवेसी को मेंटेन करना जरूरी है। तो आपको एथिकल इशू भी देखना पड़ेगा, प्राइवेसी देखना पड़ेगा, और जो सोशल स्टिग्मा जुड़ा हुआ है कुछ डिजीज़ से उसको भी देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है एडॉप्शन एंड रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है एडॉप्शन एंड रेजिस्टेंस, यानी कि जो पेशेंट या जो डॉक्टर होते हैं वो मोस्टली देखा गया है कि अडॉप्ट करने में ई हेल्थ टेक्नोलॉजी थोड़ा सा रेजिस्ट करते हैं, वो इजी फील नहीं करते। तो जो वो रेजिस्टेंस है वो ख़त्म करना पड़ेगा, इजीली एक्सेसिबल और इजीली जो भी IT टेक्नोलॉजी है वो उनके अनुसार करना पड़ेगा। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स, मतलब हम लोग IT स्किल और IT यूज़ के बारे में तो बात कर रहे हैं, लेकिन हमें उसके अनुसार हेल्थ केयर भी ऐसे चाहिए जो कि उस अनुसार स्किल्ड हो, कि उस IT टेक्नोलॉजी को हेल्थ केयर में यूज़ कर सकें, तो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो कंक्लूजन में फिर आप लिखोगे कि कैसे नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 जो है वो एनविजाज करता है कि क्रिएट करना डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम सच एज नेशनल हेल्थ स्टैक, मतलब कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 जो है वो बात करता है आपका नेशनल हेल्थ स्टैक के बारे में, जो कि एम किया है, जिसका एम है टैकल करना चैलेंजेस और साथ में अचीव करना SDG 3। SDG 3 आप फ्रिक्वेंटली अपने आंसर में यूज़ कर सकते हो, इस तरह से आप ये आंसर कंप्लीट करोगे। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो, और साथ में अगर आपको चाहिए इसका PDF तो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू।